हाय भाई लोगों, मैं सन्नी सैनी। मैंने एक वीडियो बनाई थी एडवांटेजेस पे, आपने उसको बहुत प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसलिए मैं डिसएडवांटेज भी बताने जरूरी है वो बताने जा रहा हूँ। डिसएडवांटेज भी वीडियो एक आनी चाहिए थी, आपकी डिमांड थी तो मैं लेके आ रहा हूँ। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज है वो ये, देखिए सेल्फ ही नहीं है भाई इसमें, सेल्फ नहीं है। बताओ, 1.5 लाख की बाइक है, 1.5 लाख से भी ज़्यादा की बाइक है, सेल्फ नहीं आता। मतलब इतनी प्रॉब्लम वाली बात है ये, मतलब कभी भी चलती चलती रोड के बीच में रुक जाती है। मतलब हाईवे पे आप क्रॉस करते हो, बीच में रुक गई तो मारते रहो किक। मतलब ट्रैफिक में आप जा रहे हो, वहाँ पे बंद होगी तो मारते रहो किक। लोग ऐसे देखते हैं कि आपकी तरफ, मतलब बस पूछो ही ना कि भाई ये अड़ के खड़ा है बीच में। और इसकी कहीं एक डिसएडवांटेज और बताता हूँ मैं इसको। जैसे ही ये, मतलब इसको अगर मारते हैं ना पकिक, तो एक जैसे ये ऐसे ही नीचे जाएगी, कट की आवाज़ आती है बहुत तगड़ी वाली। वो कट बोल के ना बिल्कुल ये अटक जाती है, मतलब पैर पे चोट लगने वाले काम हो जाते हैं। तो अपने अभी कभी बुलेट ये वाला मॉडल लो, ये मेरे पास 2020 का मॉडल है, अगर ये लो तो ये किक का ये डिसएडवांटेज बहुत बड़ा है कि जैसे ये हल्की सी नीचे जाती है तो कट की आवाज़ आती है, पैर पर लगने बहुत चांस होते हैं, मेरे भी कई बार लग चुके हैं। मतलब ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि 1.5 लाख की बाइक नहीं है, सेल्फ नहीं है। बाकी ठीक है, इसका रुतबा भी बिना सेल्फ वाला ही है। मतलब बंदे के पैर में मतलब जान नहीं है ना, वो इसको मत ही लेना, क्योंकि किक के लिए बहुत जान लगती है इसमें। ऐसे नहीं कि भी कोई भी किक मार के स्टार्ट कर देगा इसको। करे दूसरा डिसएडवांटेज की, दूसरा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसके, मतलब कंपनी से आते ताड़ी वाले भी एलोई व्हील नहीं आते। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये लगता है, क्योंकि लुक इसकी जो एलोई व्हील में आती है ना, वही सबसे बढ़िया लगती है। मतलब कंपनी वाले प्रोवाइड ही नहीं कर रहे, उनको भी पता है कि भाई एलोई व्हील में ही लोगों ने लगवाने हैं, एलोई व्हील ही लेने हैं, तो भी वो खुद से प्रोवाइड नहीं कर रहे, बाहर से ही आफ्टर मार्केट मिलेंगे। आपको प्राडो हो गया या फिर फलाना दिखा जो भी कंपनी के हो गए, तो सबसे बड़ा एक ये भी डिसएडवांटेज है इसका। लोग देने चाहिए अगर उनको पता भी है कि भाई लोगों को पसंद आ रहे एलोई व्हील में, फिर भी नहीं दे रहे। करें तीसरा डिसएडवांटेज की, तो तीसरा डिसएडवांटेज है इसका हाई स्पीड में जो वाइब्रेशन होती है। मतलब 80 तक ठीक है कि सेल हो गए, लेकिन 60 to 80 जाते जाते वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती है ना, वो वाइब्रेशन बड़ा परेशान करती है। मतलब 80 के पार जाते जो काफ़ी वाइब्रेशन हो जाती है। पहले से कम है, लोग कहते हैं पहले से कम है, हाँ पहले से ज़रूर कम है, इसमें कोई दो राय ही नहीं है, बट थोड़ी सी और कम हो सकती थी। मतलब 350 cc का है, उसके हिसाब से ठीक है, बट फिर भी थोड़ी वाइब्रेशन कम की जा सकती थी। बात करें अगला डिसएडवांटेज की, जो सबसे घटिया लगता है मेरे को, वो है इसका ब्रेक पैड। सर्विस आती नहीं है, पहले ही चू चू करने लग जाता है। सर्विस से मतलब 3000 रुपये सर्विस होनी होती है, 3 में 1500 चला लेना, जब भी चू चू की आवाज़ आने लग जाती है, और इतनी जल्दी घिसता है। मतलब अब ये नटी टाइट करते रहो, उसके बार बार में यही काम रह जाता है, ये बहुत जल्दी घिसता है, ये नीचे बहुत जल्दी चला जाता है। मतलब मैंने 2-3 बार तो मैंने टाइट कर लिया है, और अभी सर्विस भी आने वाली है, लेकिन फिर भी बहुत आवाज़ करता है, बहुत मतलब ची ची चू, बहुत दिक्कत करता है। ये चीज़ ठीक करनी चाहिए। इसे क्वालिटी है या ब्रेक पैड की, वो इंक्रीज़ करो, या फिर इसकी वेट की वजह से जो हो रहा है, ये चीज़ करनी चाहिए भाई, इनको देखनी चाहिए कंपनी। डिसएडवांटेज की बात करूँ तो मैं, वो है इसका ये चेन लुब्रिकेशन वाली। आपने अगर ये चेन लुब्रिकेट नहीं कराई ना, तो 7-8 हज़ार किलोमीटर में चेन सेट चेंज कराना ही पड़ेगा। तो 350 रुपये का या 200 रुपये 250 रुपये जितने का भी चेन लुब्रिकेट आता है, वो तो आपको लेना ही पड़ेगा। और इसको मतलब हर वॉशिंग के टाइम क्लीन करके इस पर ऑयलिंग लुब्रिकेट चलाना ही पड़ेगा। अगर नहीं चलाओगे ना, तो इसका ये बहुत घिसाता है, बहुत चरचर की आवाज़ आने लग जाती है। स्मूथ गियर बॉक्स रखना है, स्मूथ वो करना है, तो ये तो रखना ही पड़ेगा साफ आपको लुब्रिकेट करके, वरना ये ऐसा तंग करेगा बस मज़ा नहीं आएगा। पहले डिसएडवांटेज की बात करें तो वो है इसका ये पहले गियर में जो ये आवाज़ करता है, कट कट कट, पहले गियर में ऐसे आवाज़ आया कट, बिल्कुल तगड़े वाली आवाज़ आती है कटक की। मतलब इतना इरिटेटिंग सा लगता है वो, बहुत दुखी करता है। और गियर बॉक्स से रिलेटेड एक और डिसएडवांटेज बताता हूँ मैं इसका आपको, कि चलते चलते ना इसका दूसरा गियर लगाते हैं न्यूट्रल हो जाता है। ये तो इतना तंग करता है न्यूट्रल वाला, बस क्या ही बताऊँ, इतना तंग करता है। न्यूट्रल हो जाएगा और फिर गियर लगता ही नहीं है, मतलब कट जोर जोर से दबाते रहो, क्लच दबा के गियर नहीं लगेगा। एक बहुत बढ़िया बड़ा डिसएडवांटेज है ये, मतलब बहुत गंदा लगता है। ऐसे चलते चलते न्यूट्रल हो रही है, रेस दे रहे हो, गुर्र गुर्र कर जा रही है, चल दे रही है आगे, क्या यार ये चीज़ें तो सुधारनी चाहिए। इतना बड़ी 1.5 लाख से भी ऊपर की बाइक आज के टाइम में, डिसएडवांटेज कहूँ या कमी कहूँ इसमें, वो मैं बताऊँगा कि यह है इसकी ब्रेकिंग। मतलब ब्रेकिंग थोड़ी सी और स्ट्रॉन्ग हो सकती थी, मतलब 70-80 पे चल रहे हो ना ब्रेक मार, थोड़ा डिस्टेंस लेती है रुकने में, ब्रेकिंग और अच्छी कर देते तो और बढ़िया रहता। ये चीज़ एक और है जो कंपनी कर सकती थी। डिस्कस कर लिया आपने डिसएडवांटेजेस के। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, जैसे पिछली वीडियो पे आज दिखाया इस पे भी दिखाना, ठीक है ना। सब्सक्राइब कीजिएगा याद करके। ओके बाय, गुड लक, जय हिंद।